देखिए अभी मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे और इसमें लेके जा रहा हूँ दूध। तो ऐसा ही करते हैं, हमारे गांव में किसी के भी फंक्शन हो तो दूध दही लेके जाते हैं, और मतलब जैस जितना भी हो दूध दही लस्सी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है ना फिर अपने फंक्शन में, दूध चाय के लिए और दही सब्जी के लिए और लस्सी सब्जी के लिए। बस ये तिरण दो बे
बड़ी तगड़ा दिन थी। एक फिंगर छेड़ा तुम्हें भाई कि नहीं ना ना एड़ा चला रहे हैं ना। क्या पूना ये आप रखा पूना था तेल का ये तेल मतलब ये बना तेल है ना गरम कर करके इसमें क्या गया भाई सौंफ और क्या सौंफ जीरा और मेथी लौंग इलायची है ना धनिया डाल दिया मिर्चा डाल दिया।
ये है आलू राजमा के लिए, और जो हमने भिगोया हुआ था मसाला वो है ये। अमचूर और लस्सी डाल दिया ना भाई। चक्कर भाई तुड़का thank you।
तो यहाँ पे हमने धाम तकरीबन कंप्लीट बना ही लिया, और यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, यहाँ स्पेशल ये चने और आलू राजमा की सब्जी वो भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये दो बल्टोइयाँ हैं, इनमें एक में चने हैं और एक में आलू राजमा है। और ये जो देखिए, ये हम इस पे जैसा ये लगा रहे हैं ना, ये चावल का आटा है, तो इसको पानी में घोल के जो है वो लगाया जाता है ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से बने। ये देखिए, ये बन गए आलू चने, नहीं चने ही सिर्फ, सॉरी, तो आलू राजमा आ गए। ये देखिए, ये बने आलू राजमा। तो ऐसे हमारे बिलासपुरी धाम जो है वो तैयार की जाती है, और इस तरह से जो है वो आलू राजमा और चने जो है वो खट्टे चने जो है वो बनाए जाते हैं। और यहाँ पर हमने चाशनी रखी है करने के लिए, पकने के लिए। तो ये देखिए चाशनी है। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और जिसे भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करिएगा हमारे हिमाचली कल्चर को, हिमाचली धाम को, बिलासपुरी धाम को, तो आगे से जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।